रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी तथा एडीएम इला तिवारी ने जवा तहसील में राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि आम जनता की कठिनाइयां दूर नहीं हुई तो अधिकारियों कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सभी पात्र किसानों को 10 दिवस में 100% लाभान्वित करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने लापरवाह रीडर तथा पटवारी को निलंबित करने तथा 2 अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याएं भी सुनी तथा मीडिया से रूबरू हुए। बहुत जिले का समस्या है, उसमें हम लोग है ना पूरी तरीके से अवगत है। अभी अतरेला का एक है ना सब स्टेशन है 132 के वी का बन रही है, आज ही मैंने उसका रिव्यू किया था। प्रॉबली वो दिसंबर तक है ना उसका पूरा हो जाएगा, उसके माध्यम से काफ़ी कुछ है ना समस्या हल होने की संभावना है। गांव-गांव में कहाँ तक है ना ट्रांसफार्मर जलने का उसका बिल का बकाया है, उसका भी मैंने पूरा लिस्ट लिया है। सभी ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जाएगा, किसी को भी है ना 10% है ना टोटल बिल से जमा होने से या 50% लोग किसकी यूजर्स हैं इतना जमा होने से वापस है ना ट्रांसफार्मर चालू किया जा सकता है। समटाइम्स ये जानकारी ना लोगों को नहीं होती है, उसके कारण भी है ना ट्रांसफार्मर्स काफ़ी ना चालू नहीं है। बट इसको हम लोग पूरा डेटा सर्वे ना MPB से ले रहे हैं, उसके बाद हम लोकल बॉडीज़ के माध्यम से पंचायत के माध्यम से अवगत कराएंगे कितने बिल जमा होना है, ट्रांसफार्मर कैसे चालू हो सकते हैं और कितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं बिल जमा है उसके बाद भी ना चालू नहीं है, ऐसे कोई भी कंप्लाइंट आए तो तत्काल है ना मैं उसका संज्ञान में लेके MPB को निर्देश देता हूँ। वहाँ तक है ना प्रधानमंत्री आवास की ना है, प्रधानमंत्री आवास के लिए एक समय 2011 है ना 11 सामाजिक आर्थिक जनगणना है, उसका लिस्ट है ना ऑलरेडी है ना अप्रूव्ड है, मोस्टली है ना पात्र लोगों को मिलता है। और गांव में पंचायत है ना तय करती है मतलब कौन सी जगह पे है ना उनका है ना मकान बनाना है। जल क्षेत्र के साथ है ना पास बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, उसका अधिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसके लेकर भी हम लोग है ना गंभीर है। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक है ना कंप्लेंट्स मिलती है बिल्कुल तत्काल है ना उस काम को रोकने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश देंगे। हमारे लिए तालाब को संरक्षित करना भी है ना हमारा प्राथमिकता क्रम है। मीटिंग का मुख्य पर्पस आज का राजस्व के लेकर हम लोग ने मीटिंग किए हैं। क्षेत्र में बहुत सारे ना समस्याएं हैं, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और उसके आदेश का अनुपालन, इस्तेला भी नहीं होना और वारिसानी नामांतरण और बिक्री का नामांतरण और राजस्व न्यायालय है ना रेगुलर चले, PM किसान सम्मान निधि है उसमें काफ़ी सारे किसान की आधार एंट्री प्रॉपरली होना, उसका अकाउंट नंबर है ना प्रॉपरली सीरियड होना, फॉरेस्ट राइट एक्ट वनाधिकार अधिनियम के ना इतराकी हैं उनको PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ना जोड़ना, उसके लेकर पटवारी वाइज हम लोगों ने आज रिव्यू किए हैं। उसमें पेंडेंसी हैं सारे पटवारी को है ना बताया गया है अगले 10 दिन के अंतर्गत पूरे पेंडेंसी निपटाना है। आज कुछ कार्रवाई भी किए हैं हम लोगों ने, रीडर का है ना हमने सस्पेंड किए हैं, पटवारी को सस्पेंड किए हैं और है ना कुछ लोगों की है ना वेतन आसाद करने के लिए ना कार्रवाई भी किए हैं, वार्निंग भी दिए हैं। हम किसानों का काम है ना जल्दी हो, समय पे हो तो उनको ना बार बार है ना तहसील लेना ना आना पड़े। उसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है वो 2 दिन पहले ही ना मतलब हमारे प्रदेश में लॉन्च हुई है। कितने भी PM किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता व्यक्ति एक इतराही है उनको 6,000 के अलावा राज्य शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 4,000 रुपये ना दिया जाएगा। उसको लेकर अभी हम लोगों ने पटवारी को ना टारगेट दिए गए, वो गांव-गांव जाएंगे कल से, उनको प्रथम चरण पे कुछ गांवों में ना वो काम करेंगे। कितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है ना बेनिफिशियरी है उनसे फॉर्म भरेंगे, वहाँ उनको फ़ोटो खींचेंगे आधार नंबर डाल के 25 तारीख से इस योजना का है ना चालू है, उसके पहले कुछ टारगेट है ना अचीव। सर एक लास्ट सवाल है, जो तहसील जगह है और जनपद सर कब तक बैसाखी के सहारे में रहेंगे मतलब अतिरिक्त प्रभार में, मतलब तहसील में भी जो है तहसीलदार हैं वो भी मतलब लेकर भी हम लोग है ना चिंतित है। जनपद में जो सीओ है वो भी जल्दी ही है ना राजस्व न्यायालय का है ना पद का पूर्ति है, कहीं ना कहीं हम लोग है ना कुछ एडिशनल चार्ज के माध्यम से पूर्ति करने के लिए कोशिश करेंगे। सीओ जनपद पंचायत है ना बिल्कुल एडिशनल चार्ज में है उसका लेकर है ना हम लोग है ना शासन को लेटर लिखेंगे और जल्दी ही है ना यहाँ है ना एक रेगुलर है ना सीओ जनपद पंचायत को पदस्थ करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।